सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि माइनक्राफ्ट 1.20 में मल्टीप्लेयर कैसे खेले। वैसे तो इस टॉपिक पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है और उसमें मैंने आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से बताया भी है, लेकिन फिर भी इस टॉपिक पे आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे एक और वीडियो बना दी जाए, तो इसलिए अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आप इस वीडियो को स्किप कर करके देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो इस वीडियो को जरूर से एंड तक देख लेना। और जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ सेम टू सेम वैसे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं तो आप भी इजीली मल्टीप्लेयर खेल सकोगे। और इस वीडियो को लास्ट मैं आप लोगों को कुछ टिप्स भी देने वाला हूं, तो इस वीडियो को जरूर से एंड तक देख लेना। तो चलो अभी हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने माइनक्राफ्ट की मेन स्क्रीन पे आ जाना है और उसके बाद यहाँ पे आपको साइन इन कर देना है। और अगर आपको साइन इन करना नहीं आता तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें कि आपको मैंने बताया कि साइन इन कैसे करना है माइनक्राफ्ट में। और फिर साइन इन करने के बाद यहाँ पे आपको सेटिंग वाले ऑप्शन में जाके जनरल वाला ऑप्शन में जाना है और फिर यहाँ पे आपको अलाउ मोबाइल डाटा फॉर ऑनलाइन प्ले को ऑन कर देना है। और ये जो ऑटो अपडेट पैक्स है ना, ये ऑफ पे सिलेक्ट हुआ होगा तो आपको इसको ऑन विद वाईफाई और मोबाइल डाटा को सिलेक्ट कर देना है। और फिर इतना हो जाने के बाद यहाँ पे हमें प्ले का ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर देना और यहाँ पे हमें फ्रेंड्स में जाके ऐड फ्रेंड पे क्लिक कर देना है। और फिर यहाँ पे हमें अपने फ्रेंड का गेमर टैग एंटर कर देना है। और गेमर टैग एंटर करते वक्त यहाँ पे आपको ध्यान से गेमर टैग को एंटर करना है, एक भी लेटर अगर गलत हो गया तो आप मल्टीप्लेयर नहीं खेल सकोगे, तो इसलिए आपको यहाँ पे गेमर टैग ध्यान से एंटर कर देना है। तो गेमर टैग एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर देना और ये थोड़ी देर लोडिंग लेगा और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा फ्रेंड आ चुका है। तो इसको आपको फ्रेंड पे नहीं फेवरेट पे सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे आपको बैक कर देना है। और ऐसा आपको दोनों भी फोन में कर लेना है। और फिर यहाँ पे आपको अपने सेकंड वाले फोन पे आ जाना है। तो अभी आप ये देख सकते हैं कि मैं अपने फ्रेंड के फोन पे आ चुका हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे आपको किसी भी वर्ल्ड में चले जाना है और यहाँ पे आप अपना नया वर्ल्ड भी बना सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पे अपने पुराने वर्ल्ड में चले जाता हूँ। तो अभी आप ये देख सकते हैं कि मेरे फ्रेंड का पूरा गेम लोड हो चुका है और मेरा फ्रेंड गेम में भी आ चुका है। और आप ये देख सकते हैं कि ये नूबड़ा आते ही पहले तो बकरियों को मारने लग गया। अबे भाई यार, उनको छोड़ दे, उनकी भी जिंदगी है, मुझे नहीं लगता कि अभी उनको छोड़ेगा। देखो कैसे कूद कूद के मार रहा है। तो अभी मेरा फ्रेंड अपने वर्ल्ड में चला गया, तो अभी मुझे भी उसके वर्ल्ड में जाना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको प्ले के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और फिर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्रेंड्स में मेरा एक फ्रेंड ऑनलाइन दिख रहा है। तो अभी उसके ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है और आपका वर्ल्ड कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपने पूरे स्टेप्स फॉलो किए होंगे ठीक से तो आपका वर्ल्ड कनेक्ट हो जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अभी मैं इसको लोड होने देता हूँ जल्दी से। तो अभी आप ये देख सकते हैं कि मेरा वर्ल्ड भी पूरा लोड हो चुका है और ये नुबड़ा, अबे भाई साहब ये देखो इस नुबड़े को, मुझे आते ही मार दिया। ले नुबड़े कही के मुझे थोड़ा बोलने तो देता, इतनी भी क्या जल्दी है मुझे मारने की। और ये देखो इमोट दिखा रहा है भाई साहब, तेरे पास बहुत ज्यादा इमोट है। उसी बात पे एक मुक्का ले ले। और मैं क्या कह रहा था कि आप ये देख सकते हैं कि मैं अपने फ्रेंड के गेम में आ चुका और हम आते ही एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर दिए और हमें इसी में मजा आता है क्योंकि हम मल्टीप्लेयर खेलते ही इसलिए। तो अभी हम पिछले मल्टीप्लेयर वीडियो के कुछ डाउट्स क्लियर कर लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो डाउट था वो था कि हम एक वर्ल्ड में कितने प्लेयर्स खेल सकते हैं। तो इसका आंसर है कि हम एक वर्ल्ड में बहुत सारे बंदे खेल सकते हैं, जैसे कि 50, 100 और बहुत ज्यादा, मतलब कि अनलिमिटेड खेल सकते हैं। लेकिन अगर ज्यादा बंदे खेलोगे तो बहुत ज्यादा लैग होगा, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि 4 से 5 बंदे ही खेलो। ज्यादा बंदे खेलोगे तो आपका स्टोरेज भी फुल हो सकता है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट डाउट है वो है हम वाईफाई से खेले या फिर मोबाइल डाटा से। तो आप किसी से भी खेल सकते हैं, ये दोनों में भी काम करता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट डाउट है वो है हम सेम वाईफाई से खेल सकते हैं या फिर नहीं। तो हाँ, आप सेम वाईफाई से भी खेल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और किसी को एक प्रॉब्लम आ रही थी कि अनेबल टू कनेक्ट दिखाई दे रहा था, वो क्यों आ रहा था? क्योंकि आपके और आपके फ्रेंड का माइनक्राफ्ट का वर्जन सेम नहीं था, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन अगर आपके और आपके फ्रेंड का माइनक्राफ्ट का वर्जन अगर सेम होगा तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपने इस वीडियो के सभी स्टेप्स को सही से फॉलो किया तो आपको कुछ भी, मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजीली आपका मल्टीप्लेयर कनेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो अभी हम मिलते हैं इस तरह के अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।